अगर मैं मूड, अगर सोनी का मूड क्या होता है, फ्लैश मूड, वॉल्यूम डाउन, सोनी का फ्लैश मूड क्या होता है, वॉल्यूम डाउन, और एलजी का फ्लैश मूड क्या होता है, वॉल्यूम अप, सैमसंग में एक फ्लैश मूड बताओ, सैमसंग में फ्लैश मूड नहीं डाउनलोड मूड होता है, वेरी गुड, डाउनलोड मूड होता है, और अगर मीडियाटेक में क्या होता है, फ्लैश मूड होता है, क्या क्या हो सकता है, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, या दोनों, या कुछ भी नहीं, दोनों कुछ भी नहीं। यहाँ पर मेरे साथ बताओ कि अगर एसपीडी में एक फ्लैश मोड क्या होगा, एसपीडी फ्लैश में वॉल्यूम अप नहीं तो वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन, वेरी गुड। कॉलकॉम में फ्लैश मोड क्या होगा, वॉल्यूम अप और डाउन, एडीएल केबल और टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर दोस्तों मेरे साथ में एक स्टूडेंट, आपका नाम, मेरा नाम दयानंद है, और कहाँ से आए हो आप, से सो आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्लास अटेंड किया प्लस हार्डवेयर में, आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर मीडियाटेक का मोबाइल है तो फ्लैश फाइल क्या मिलेगा, मीडियाटेक का मोबाइल है तो फ्लैश फाइल में आपको स्कैटर मिल सकता है, स्कैटर फाइल किस किस टूल के साथ पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्कैटर फाइल हमको पहले तो एसपी फ्लैश को, दूसरी में मेरिकल या तो यूएमटी में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो स्कैटर, आपने कोई स्कैटर फाइल को डाउनलोड कर रहे हो, तो फाइल को डाउनलोड करते समय क्या चीज देखनी है आपको, बाइंडिंग नंबर देखना है, अगर आपने गलत बाइंडिंग नंबर ले लिया तो क्या हो सकता है, फोन डेड हो सकता है। अगर मान लीजिए फिर भी आपको पता है कि बाइंडिंग नंबर नहीं मिल रहा है, सो उसका क्या आप कर सकते हैं उसमें, प्रीलोडर वाली आप ऑप्शन को यूज, आपको पता है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर मैं एसपी टूल से फ्लैश कर रहा हूँ, कौन से मोड पे मेरा आईएमई जा सकता है, फॉर्मेट प्लस, अगर डाउनलोड हम क्लिक करेंगे तो हमारा IME क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अगर IME चला भी गया तो हम कौन से टूल से बना सकते हैं, एसएन राइटर टूल के लिए कौन सी फाइल की जरूरत है, एपी और बीपी। अगर मैं किसी फाइल को रीड करता हूँ मेडिकल से, तो मुझे एपी और बीपी फाइल मिलती है क्या, नहीं मिलती फॉर्म में। अगर एक मेडिकल किन दो फॉर्मेट में एक मीडियाटेक के फाइल को रीड कर सकता है, बिन, वेरी गुड। सो अगर ये ऑप्शन भी देता है कि स्कैटर में देना है कि नहीं देना है, एक मीडियाटेक हो गया है, कोई सा भी फोन हो गया, कितने मोड होते हैं, फ्लैश मोड, एंड्रॉइड मोड के अंदर कितने मोड होंगे, फास्ट मोड। अगर मैं बात करूँ मुझे फ्लैशिंग करना है तो कौन से मोड पे यूज करना पड़ेगा, अगर डेड हो गया तो, क्योंकि मेरा एंड्रॉइड मोड काम नहीं करेगा, सो स्कैटर फ्लैश मोड पे यूज होता है। फ्लैश मोड क्या हो सकता है एक एंड्रॉइड का, एमटीके का अच्छा, हम बात करते हैं सोनी के मोबाइल में फ्लैश फाइल क्या आएगी, वेरी गुड। एलजी में क्या फाइल आएगी, और अगर मैं बात करूँ सैमसंग में, एमआई में, वेरी गुड। अगर मैं बात करूँ आईफोन में, आईफोन में क्या आएगा, IPSW, कौन से टूल से करना है, कॉलकॉम में कौन कौन सी फाइल आ सकती है, जैसे MBN नहीं आई तो दूसरा कौन सा आ सकता है, दूसरा आ सकता है एक तो NB0, वेरी गुड, और NB0 आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, फास्ट बूट। सो अगर दोनों से कैसे फ्लैश करना है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा आपसे, ड्राइवर कैसे मैन्युअली अपडेट करना है, ADB के ड्राइवर, फास्ट बूट के ड्राइवर कैसे अपडेट करना है, UMD कैसे चलाना है, मेडिकल कैसे चलाना है, J3S, सैमसंग को रूट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, और फिर सुपर टू इंस्टॉल। TWRP क्या है, क्या मतलब, वो फोन में क्या चेंज कर देगी, और वो रिकवरी से हम कौन सा इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन, सुपर टू, जिससे हमारा फोन में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, वेरी गुड। कैसा लगा आपको पढ़ के यहाँ पर, सर हमको बहुत अच्छा लगा है, और जो स्टूडेंट इस फील्ड में घुसना चाहते हैं या तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो एग्जाम में जरूर पढ़िएगा, आपको लाइफ में करियर में बहुत अच्छा मिलेगा, वेरी गुड। और यहाँ पर तो तुम वापस फिर से आओगे EMC क्लास के लिए, क्या सोचा है तुमने उसके लिए, सर EMC पढ़ने के बाद हम EMC पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा तुम्हें, और आशा करता हूँ ऐसे ही कि तुम बहुत आगे बढ़ो, और थैंक यू यहाँ पे ऐसे टेलीकॉम को चुनने के लिए और विश्वास रखने के लिए कि एक महीने में आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। शुरू के दो दिन में कैसा फील हुआ था जब आए थे, तो सर थोड़ा कंफ्यूज था, दो दिन के बाद सब समझ में आ गया। और तीसरे दिन में तो आपने, जब मैंने आपसे फीस भी नहीं ली थी, तो तब तक आपको कितनी नॉलेज हो गई थी, उसमें
कॉम्पोनेंट का 90% नॉलेज हुआ था, पैरेलल सीरीज कॉम्पोनेंट आईफोन लेवल तक, और ट्रेसिंग का भी मैंने आपको बताया था। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 10 साल से मैंने काम किया है दुकान पे, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और आपसे सर मुझे 2 दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं, और ट्रेसिंग आपको समझ में आई है? तो मतलब पहले भी सीखा है सर टाइम पे, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वोम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था, पर यहाँ के मालूम चला कॉम्पोनेंट चेंज भी कोई चीज होता है, उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है। सर तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? ऐसे कभी नहीं बनाया, और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया, सीरीज पहले, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों उसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल, और मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवरत्न अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू। तो भी मेरे को 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते हो तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में, बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने की छुट्री है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएंगे, चले जाएंगे, तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। देखिए सर, जैसा सोचता था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है, जो भी बोल रहे हो वो दिल से है, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर PCB जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं, और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात, पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है, और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो सर्किट बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए जो टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो 2-3 स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे, तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज दे। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है?
में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी नेक्स्ट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले, बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा, और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने 7 महीने नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर ले, मतलब हम बोल रहे सभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले नहीं मेरा फिर उड़ रहा है, मतलब हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी अभी बोलते हाँ हमें बोलना है कहेंगे तो ये बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो मतलब हमें ऐसा फील हुआ, हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो देखा और वहाँ पे आया, तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाइड हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, इसलिए मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल खोल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं नहीं अच्छा, मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? Monsoon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.